दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम स्ट्रेट लाइन के इस वीडियो में एक लाइन देखने वाले हैं। उस लाइन का नाम है स्लोप स्लोप पॉइंट फॉर्म स्लोप पॉइंट। अभी पिछले वाला जो देखा था आपने, उसमें स्लोप इंटरसेप्ट देखा था। आपने अगर नहीं देखा हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए मेरा जो पहला वीडियो है जिसमें स्लोप का कंसेप्ट और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए एक लाइन है जिसका स्लोप क्या है, एम है। मान लीजिए कि इसका स्लोप कितना है, इसका एम है। और ये पास किससे होती है, सपोज ये पास होती है एक पॉइंट से, एक्स वन कॉमा वाई वन से पास होती है। स्लोप कितना है इसका दोस्तों, एम है। और पास किससे होती है, एक्स वन वाई वन से। तो लाइन हु स्लोप इज एम एंड पासेस थ्रू, या मैं लिख देता हूँ आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, लाइन थ्रू एक्स वन वाई वन से जाती है एंड हैविंग स्लोप एम। उसका स्लोप एम है। तो आपको एक लाइन पहले से भी मालूम है, स्लोप इंटरसेप्ट वाली लाइन है आपको मालूम है। स्लोप इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट की लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट की लाइन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें और इसमें आपको क्या मालूम है, इसमें और इसमें एम मालूम है। इसमें सी क्या चीज है, इसमें सी अननोन है। किसमें, इस वाले सवाल में, क्योंकि इसमें दूसरी दो कंडीशन है कि स्लोप एम है और पासेस थ्रू एक्स वन वाई वन है, तो इसलिए स्लोप तो काम कर गया, पर ये सी अननोन है। तो अब सी को एलिमिनेट करना है। तो सिंस द गिवन लाइन लाइन पासेस थ्रू, कहां से पास हो रही है, एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स वन कॉमा वाई वन से पास हो रही है। तो एक्स वन वाई वन इसको सेटिस्फाई करेगा, यही है ना मतलब इसका। तो ये हो जाएगा वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस सी। अब आप एक काम करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, वन माइनस टू कर दो। इसीलिए मैंने इसके नीचे लिखी, ये वन लिख दी और ये टू है, वन माइनस टू किया। जब आप वन माइनस टू कर देंगे, वन में से टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सी गायब हो जाएगा, y माइनस वाई वन। अच्छा, y और x दिया नहीं होगा, वो हर सवाल में ही होगा x और y, तो याद रखना m कॉमन x माइनस एक्स वन। ये आ गई आपकी लाइन, कौन सी वाली लाइन है, स्लोप पॉइंट। क्या ना, क्या आया स्लोप पॉइंट, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसी को कहते हैं दोस्तों स्लोप पॉइंट फॉर्म। पिछला देखा था आपने स्लोप इंटरसेप्ट, अब ये देख रहे हैं आप स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो मैं आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म जो है उसमें एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस से इसके एग्जांपल्स लेता हूं, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो और इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 है, और एग्जाम्पल के लिए, इसके एग्जाम्पल के लिए इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, आप एग्जाम्पल समझ लें और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। लाइन थ्रू माइनस 4 3 एंड हैविंग स्लोप वन बाय टू, ठीक है, उसमें लिखा है विद स्लोप 1/2। तो आप समझ लें कि आपको एक्स वन वाई वन क्या दिया है, एक्स वन वाई वन दिया है आपको माइनस 4.3, और एम की वैल्यू कितनी दी है 1/2। लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी,
y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, इसमें रख दें इम्प्लाइज y माइनस थ्री इज इक्वल टू वन बाय टू एक्स माइनस माइनस फोर। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा उस फॉर्म में ले आए तो दिखने लगे अच्छा। तो किस फॉर्म में लाएं कि आपको अच्छा दिखे, वो फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस फॉर्म में रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो मैं फॉर्म भी लिख देता हूं, आपको इस फॉर्म में लाना है आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में लेके आना है। तो देखो 2 उधर भेज दिया मैंने तो हो जाएगा 2y माइनस सिक्स, इधर हो जाएगा x प्लस फोर, इसको 2 सारी चीज़ें वहां भेज दें x माइनस टू वाई और 4 और 6 मिला के 10 इक्वल टू जीरो, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, ये आपका आंसर हो गया। आंसर x और y में ही होगा, आंसर में x और y ही होगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, साथ साथ बने रहेंगे, मैं सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। क्वेश्चन नंबर आपका थ्री क्या कहता है, पासेस थ्रू 0 0 विद स्लोप m, पासिंग थ्रू जीरो जीरो विद स्लोप m। बस अब इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं, 0 0 किसके बराबर हो गया, ये x1 y1 हो गया और m तो m है ही, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 m x माइनस x1 x माइनस x1। अब y माइनस क्या हो गया, 0, m m का वैल्यू मालूम नहीं, x माइनस जीरो एम एम ही है। अब इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स, ये याद भी रख सकते हो, ये वो लाइन है जो ओरिजिन से जाती है और स्लोप m है, दिस इज द लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप m। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आप बिल्कुल साथ साथ बने रहेंगे, सारी चीज़ें मैं देख लूँगा, आप चिंता ना करें, बुक मेरे पास है, कोई बात चिंता की है ही नहीं। पासिंग थ्रू टू, ये नंबर है फोर, पासिंग थ्रू टू कॉमा टू रूट थ्री, टू टू रूट थ्री है और मेकिंग इंक्लाइंड है। मैंने आपको एक शब्द इस्तेमाल किया था, आपको याद हो, इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का भी मतलब मैंने आपको बताया था कि जब स्लोप बताया था इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है, किस एंगल से, विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, 75 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड है, एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो ये थीटा दिया है आपको, थीटा क्या दिया इस केस में, 75 डिग्री, तो इससे टेन थीटा, एम बराबर क्या होगा, एम इज इक्वल टू होगा टेन थीटा, टेन 75 डिग्री, टेन 75 डिग्री आप निकालना चाहेंगे तो आपको वो लगाना पड़ेगा, टेन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री का कंसेप्ट, क्या होगा टेन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा टेन 45 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री अपॉन वन माइनस टेन 45 डिग्री टेन 30 डिग्री। तो ये वैल्यू आएगी टेन 45 डिग्री की, वन प्लस वन बाय रूट थ्री, वन माइनस वन बाय रूट थ्री, ये टेन 45 डिग्री वन है तो इंटू में वन आएगा तो कोई बात नहीं, वो वन ही वही हो जाएगा, वन माइनस वन इंटू
वन इंटू वन बाय रूट थ्री। अब आप एलसीएम ले लें तो ये रब कर देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका था फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ये आपकी बुक है, ये एनसीईआरटी बुक। तो इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा m का वैल्यू, m इज इक्वल टू और रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, ये m की वैल्यू हो गई। रेशनलाइज भी करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी इट्स एनफ। और x1 y1 क्या दिया हुआ है आपको, x1 y1 दिया हुआ है ये x1 कॉमा y1 टू कॉमा टू रूट थ्री, ये x1 y1 है। तो लाइन क्या होती है, ये लाइन होती है जो लिखी है कोइंसिडेंटली फॉर्चुनेटली पहले से ही लिखी है, इसमें वैल्यू ले जाके रख देता हूँ मैं, ये आपका आंसर आ जाएगा, चिंता की कोई बात है ही नहीं। आप सब होशियार हो, आपको सब आ रहा है समझ में, आप इंटेलिजेंट हो तभी आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि y माइनस y1 है टू रूट थ्री और ये है आपका x माइनस टू, इट्स एनफ, काफ़ी है ये। और चाहें तो थोड़ा बहुत बुक देख करके आप उस हिसाब से आंसर मैच करा सकते हैं। तो ये था दोस्तों कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हमारा था फोर। अब दूसरा देखिए कि क्वेश्चन नंबर वन में क्या पूछना चाहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या पूछना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर वन है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, अब इसी की इक्वेशन पूछ रहा है, तो ये लाइन कहाँ से जा रही है, इस केस में देखो, इस केस में थीटा कितना है, इस केस में थीटा कितना है, इस केस में थीटा है जीरो डिग्री, तो एम की वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा, टेन जीरो डिग्री, टेन जीरो डिग्री कितना हो जाएगा, जीरो। तो और एक्स वन वाई वन ये कौन है, एक्स वन वाई वन, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस जीरो, m की वैल्यू कितनी है, जीरो, x माइनस जीरो, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू जीरो। ये किसकी इक्वेशन है, ये याद भी रखना है आपको, ये बहुत बेसिक बात है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है y इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी, वो x इज इक्वल टू जीरो होगी, पर अपन डायरेक्ट नहीं कह सकते, उसको देखते। तो इक्वेशन ऑफ, अगर आपको दूसरी चीज़ पूछी है इसी क्वेश्चन में, दूसरी बात भी पूछी है उन्होंने कि आप किसकी इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस की निकालते हैं, तो y एक्सिस भी आपका बना हुआ है, ये y एक्सिस बना हुआ है, एक्स एक्सिस भी बनाया था हमने, वाई एक्सिस भी बनाया था, तो वाई एक्सिस ऑलरेडी बना हुआ है, ये वाई एक्सिस है, ये थीटा है, थीटा कितना है इसमें, 90 डिग्री पाई बाय टू। तो ये एम कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री कितना होता है आपको मालूम है, 10 90 डिग्री होता है इनफाइनाइट, 10 90 डिग्री होता है इनफाइनाइट। और x1 y1 सेम है, y माइनस क्या इक्वेशन है, y1 m x माइनस x1। अब मैं आपको थोड़ी सी एक स्टाइल बताता हूँ, इन्फिनिटी को आप 1 अपॉन जीरो भी लिख सकते हैं, और इसको देखने के लिए एक वीडियो देख ले मेरा, एक एक्सक्लूसिव वीडियो इसी पे, 1 अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, हाउ 1 अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, तो ये एक वीडियो है, आप इसको देख लें, 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी। और याद रखें आप कि 1 अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, बोथ द थिंग्स कीप इन माइंड, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, 1 अपॉन जीरो आई एम नॉट डिफाइंड, बोलने से काम नहीं चलेगा, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। तो इधर लिख देंगे y माइनस जीरो, 1 अपॉन जीरो x माइनस जीरो,
और ये समझ ले कि ये जीरो उधर चला गया, तो जीरो इंटू वाई इज वॉट, जीरो। यहाँ क्या बचा, ये आ गई आपकी इक्वेशन। किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी अब आपके पास एक्स इज इक्वल टू जीरो। वो तो वो पुरानी लिखी हुई थी, अब इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस कितनी आ गई आपके पास, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन। तो हमने वन देखा, टू देखा, थ्री देखा, फोर देखा, और अब मैं फाइव देखता हूँ। तो एक सिक्वेंस भी मेंटेन हो गया और आपको चीज़ें भी समझ में आ गई, और ये बेसिक बातें आपको पूरे चैप्टर के दौरान ध्यान रखना है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये जो स्ट्रेट लाइंस का पार्ट है, ये आपको नेक्स्ट ईयर भी काम आएगा, इंटीग्रेशन में काम आएगा, टेंजेंट्स नॉर्मल्स में काम आएगा, और भी कई चैप्टर्स है जिनमें काम आएगा। और बिल्कुल कितना कम समय लगा है, 15 मिनट का समय लगा। अब यह हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, बहुत अच्छा है, सारे सवाल भी समझ में आ गए आपको, कंसेप्ट भी। इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट, एक्स एक्स इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस लिख भी दिया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम लेफ्ट। बिल्कुल चिंता नहीं करें, फिगर बनाएंगे और काम कर देंगे। लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद, ऐसे समझोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने इसका फिगर बना लिया विद स्लोप -2, तो इसका फिगर देखो आप, इसका फिगर इस तरीके का है, स्लोप -2 है, तो स्लोप -2 है, और लाइन कहाँ से पास हो रही है, लाइन यहाँ से पास हो रही है, कहाँ से, तो एक्स एक्सिस को कहाँ काटती है, लेफ्ट साइड में काटती है, कितनी डिस्टेंस पे काटती है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 3 है, और ये इधर काटती है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3, 0। तो ये -3, 0 कौन हो जाएगा आपका, x1 y1। थोड़ा अच्छा बना देता हूँ मैं, ये -3, 0, ये है -3, 0। इसका स्लोप कितना है, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, ये x1, y1 दिया है, और स्लोप कितना है आपका, स्लोप है -2, स्लोप मतलब m, m कितना दिया है -2। लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन y-y1 mx-x1, तो ये हो जाएगी y-0 m-2 x-3। तो सिंप्लीफाई कर लें उसको, y इज इक्वल टू -2x, और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। इनको सबको एक तरफ लाना हो तो एक तरफ लाएं, 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है। अच्छा लाइन मैंने नहीं बनाई, तो लाइन मैं बना के देता हूँ आपको, लाइन जानबूझ के नहीं बनाई थी, लाइन ऐसी बनेगी, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इसका स्लोप कैसा है, स्लोप -2 है, नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप की लाइन इस तरीके की बनती है। क्यों इस तरीके की बनती है, वो स्लोप वाले डिस्कशन में मैंने किया नहीं था, तो मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपसे कि स्लोप ऐसा नेगेटिव क्यों बनेगा। नेगेटिव पॉजिटिव का झगड़ा समझो आप, कि ये आपकी लाइन है, यहाँ पे थीटा कैसा है, यहाँ पे थीटा एक्यूट है, ये कैसा है, एक्यूट है, तो एक्यूट है तो टेन थीटा कैसा होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा। टेन थीटा आपको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर आपकी लाइन इस तरफ झुकी हुई है, किस तरफ झुकी हुई है, इस तरफ झुकी हुई है, तो ये थीटा कैसा है, ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस है, तो टेन थीटा क्या होगा इस केस में, टेन थीटा इस केस में नेगेटिव होगा,
टेन थीटा नेगेटिव होगा क्योंकि थीटा अगर ऑब्ट्यूस है तो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट को करता है तो टेन थीटा नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसलिए तो जिन जिन का लाइन का स्लोप होता है उनका वो इधर की तरफ होती है, और जिनका स्लोप पॉजिटिव होता है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इधर की तरफ है, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो इधर की तरफ है, और अगर ऐसी है तो स्लोप जीरो है, ये इसके पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, जीरो, और अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी, एम इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ये बेसिक बातें आपको ये याद रखना है, आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट्स अबव ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये, आप सेल्फ ट्राई कर ले, मैं सिक्स्थ की हिंट दे देता हूँ आपको कि सिक्स में क्या दिया हुआ है। उन्होंने थीटा दिया है आपको 30 डिग्री और सी की वैल्यू दी हुई है 2, तो आप इससे m निकाल लेंगे और उससे c निकला ही हुआ है, ओहो और वो वाला फॉर्म लगा देंगे आप स्लोप इंटरसेप्ट का, और अगर स्लोप इंटरसेप्ट का नहीं लगाना आपको, ये वाला लगाना, तो ये वाला मैं सिखा देता हूँ आपको, ये वाला कैसे लगाएंगे इसमें, आइए बात तो मैं इसको फिनिश ही कर देता हूँ, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, फिर लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स के बाद हम देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। आप साथ साथ बने जरूर रहना, सारी चीज़ों को समझना, चिंता की कोई बात नहीं। इससे एम निकाल लो 10-30 डिग्री, ये होगा 1/√3। ये बोला है कि वाई एक्सिस को कहाँ काटती है, टू यूनिट डिस्टेंस पे काटती है, यहाँ पे काटती है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया आपका 0.2। तो इसमें दोनों लगा सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c भी लगा सकते हैं और ये वाला भी लगा सकते हैं, तो ये वाला लगाते हैं हम y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, तो ये हो जाएगा y माइनस टू एम की वैल्यू 1/√3 एक्स माइनस 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3 वाई माइनस 2√3 इज इक्वल टू एक्स, और अच्छे से लिखना सुंदर, तो एक्स की सबको उधर ले जाओ, एक्स माइनस √3 वाई प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0, और अगर वो वाला फॉर्म लगाते हो आप, कौन सा वाला, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो भी उससे यही आएगा, कैसे आएगा देखो, m की वैल्यू तो 1/√3 है, c की वैल्यू कितनी है 2 है, एलसीएम ले लो इसका, तो ये रूट, ये हो जाएगा x प्लस 2√3 अपॉन √3, अपॉन √3 को यहाँ भेज दो, टाइम बचाते हैं, और इसको उधर भेज दो, तो x माइनस √3 वाई प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0, आ गया ना, वो दोनों एक जैसे ही हैं, तो दोनों में से कोई सा भी आप इस्तेमाल कर लें, और आपको बाकी की प्रोसेस मालूम है, ये चीज़ों को हमको आगे तक बढ़ाना है, अपने तक रोकना नहीं है, नॉलेज वही है जो आगे तक बढ़ते जाए, तो नॉलेज फ्लो में रहे, आप अपने दोस्तों से शेयर करो, नहीं मालूम तो आपके पास जो भी सोशल नेटवर्किंग है आप उसमें शेयर कर दो, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, साथ में बने रहें, आप पेशेंटली इतना पढ़ रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सब के लिए मैं कह रहा हूँ, और मैं मैथमेटिक्स में PhD हूँ, डॉक्टरेट हूँ, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ, मैं जहाँ तक होगा आपकी मदद करूँगा, और जितनी भी मुझसे कोशिश होगी मैं आपके लिए बेस्ट करूँगा, और इसके अलावा सर्विस के अलावा मेरा कोई इसमें हिडन इंटरेस्ट नहीं है, और आप साथी हैं मेरे, हम एक फैमिली की तरह हैं, आप मुझे सुनते हैं, पढ़ते हैं, लगातार देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और मेरी बेस्ट विशेस हैं, आप खूब प्रोग्रेस करें, जो भी आप अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं करें, आगे बढ़ें, मेरी बेस्ट विशेस के साथ ऑल द बेस्ट।